सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम पेज नंबर ऐड कर रहे होते हैं तो वहां पर रोमन न्यूमरल कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पेज नंबर की जगह पर रोमन न्यूमरल्स आए तो ये कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, रोमन न्यूमरल पेज नंबर की जगह ऐड करने के लिए हमको हेडर या फुटर दो में से जहां भी आप पेज नंबर लगाना चाहते हैं वहां पर डबल क्लिक करना होगा, मतलब हेडर फुटर का ऑप्शन ओपन करना होगा। तो देखिए, हम यहां पर हेडर की जगह पर यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हेडर का ऑप्शन यहां पर ओपन हो गया। अच्छा, हेडर का ऑप्शन जब ओपन होता है तो एक नया टैब आपको दिखाई पड़ेगा ऊपर रिबन में, हेडर एंड फुटर का। ठीक है, तो इस पर ही रहना है हमें, हेडर एंड फुटर वाले टैब में रहना है और लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। और यहां देखिए, ये है पेज नंबर का ऑप्शन, इसके ड्रॉपडाउन पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट पेज नंबर का, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो देखिए पेज नंबर फॉर्मेट का एक छोटा सा विंडो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर फॉर्मेट में हमें जाना है और इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग है, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज हम रोमन न्यूमरल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये रोमन न्यूमरल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे से ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी नंबर ऐड नहीं होगा, अभी ये रोमन न्यूमरल सेलेक्ट हुआ है, अब हमें पेज नंबर ऐड करना है। तो उसके लिए वापस हमें हेडर फुटर में ही जाना है, मतलब हेडर फुटर में ही रहना है और लेफ्ट हैंड साइड में जाना है वापस से पेज नंबर पे। ठीक है, इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द पेज कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नंबर रख सकते हैं और नीचे जहाँ आप चाहें वहाँ नंबर रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम टॉप ऑफ द पेज रखना चाहते हैं, अब यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेफ्ट, मिडिल और राइट। तो मान लीजिए कि हम लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और आप देखेंगे कि यहाँ पर आई बनकर के आ गया, मतलब फर्स्ट रोमन न्यूमरल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। बाहर क्लिक करते ही ये देखिए ये आई यहाँ पर, मतलब रोमन न्यूमरल यहाँ पर ऐड हो गया। अब देखिए मैं पेज बढ़ाता जा रहा हूँ और रोमन न्यूमरल उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए सेकंड आ गया, नीचे देखते जाइएगा, उसके बाद ये देखिए थर्ड आ गया, उसके बाद ये फोर्थ आ गया, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये फोर्थ पेज के टॉप पर है। ठीक है, उसी तरीके से फाइव आ गया, ये फाइव फिफ्थ पेज के टॉप पर है। तो इस तरीके से रोमन न्यूमरल हम पेज नंबर की जगह ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।